अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप साहब ठीक ठाक होंगे। मेरी तरफ से तमाम अहले इस्लाम को, तमाम मुसलमानों को ईद उल फितर बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक हम सब मुसलमानों के रोज़े, तरावियाँ, नमाजें अपनी पाक बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। इसी उम्मीद के साथ आज का व्लॉग शुरू करते हैं। और मज़े की बात मैं आपको बताऊँ कि किसी को भी नहीं था पता कि आज जो ना वो ईद हो जाएगी पाकिस्तान में, क्योंकि सभी लोग जो ना वो तरावी वगैरह पढ़ के तो रेस्ट कर रहे थे। मैं खुद जो ना वो आके सो गया हुआ था। बाद में जब मुझे तकरीबन जो ना 11 बजे दोस्त की कॉल आई है, वो कह रहा था कि जनाब ऐलान हो रहा है कि जो ईद का चांद है वो नज़र आ गया, तो तुम किधर हो। तो मैं सोया हुआ था उस टाइम, फिर उठ के बाहर निकले हैं और फिर कुछ जो ना वो तैयारी वगैरह की है। कोई भी तैयारी वगैरह नहीं थी की हुई, जो ना वो खाते वगैरह कटिंग वगैरह कुछ नहीं था करवाया होगा, क्योंकि रात काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी, लाइट भी नहीं थी और ऊपर से जो ना वो सब कुछ जो ना बाजार वगैरह बंद थे, तो इसलिए जनाब कोई तैयारी नहीं थी। और अचानक से जो ना वो कहते हैं ना ज़बरदस्ती वाली ईद, वो हो गई है, यानी कि एमरजेंसी में ईद हो गई है। तो मेरी तरफ से तमाम जो ना वो मुसलमानों को ईद उल फितर बहुत बहुत मुबारक हो। अभी ये देखिए पीछे आप लोग, ये पानी खड़ा, रात की काफ़ी ज़्यादा बारिश हो गई है, तो अभी मैं छत के ऊपर आया हूँ, थोड़ा फ्रेश वगैरह होना है अभी, उसके लिए अभी निकलना है, फिर ईद की नमाज़ पढ़नी है। 7:30 बजे ईद की नमाज़ अदा होगी मस्जिद में, उसके लिए भी तैयार वगैरह होना है। तो मैंने सोचा चलो पहले अपना जो ना वो थोड़ा सा व्यू दिखाते हैं आपको मॉर्निंग का। तो चलिए अभी रेडी होते हैं ईद की नमाज के लिए। सवैयाँ आ गई हैं हमारी, दही और शक्कर के साथ। और ईद उल फितर को जो ना वो मीठी ईद बोला जाता है, क्योंकि इसमें जो ना वो ज्यादातर जो ना मीठी चीजें खाई जाती हैं। और जो ईद उल अजहा होती है उसमें बकरा वगैरह चलता है, चिकन वगैरह चलता है, इसलिए मीठी ईद होती है। तो अभी जो ना वो ईद की नमाज 7:30 बजे होगी, उससे पहले तो ये जो ना वो मुंह मीठा करके तो फिर हम लोग बाद में जाएंगे तैयार शहर होकर नमाज पढ़ने के लिए। तो पहले जो ना थोड़ियाँ सवैयाँ खा लेते हैं। आप में से वैसे कौन कौन जो है वो सवैयाँ लाइक करता है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं वैसे कम ही खाता हूँ, अभी ईद है तो इसलिए जो है वो बनाई है, तो मैं सोचा खा लेते हैं। तो अभी जी ईद की नमाज में जो ना वो रह गए सिर्फ 5 से 10 मिनट, और मैं होगा थोड़ी लेट। तो घर वाले कह रहे हैं कि शूज जो ना आपके नहीं है, तो मस्जिद में जाओगे तो गंदे हो जाएंगे। तो वैसे भी जो ना वहाँ ये पाकिस्तान है, यहाँ बहुत कुछ होता है, तो शूज आके पहन लेंगे। अभी बस रेडी होके ना तो फिर निकल जाते हैं, आके फुल रेडी हो जाएंगे। अभी नमाज करने का लेट हो रहे हैं। अभी जो ना वाइट शर्ट, ब्लू जीन्स और जो ना ब्लू ही छोटे शूज। अभी घर से निकल आया हूँ और ईद की नमाज में जो ना वो रह गए हैं 5 या 7 मिनट। और सुबह सुबह जो ना वो काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी, अभी भी चांसेस है थे बारिश के, लेकिन अभी जो ना वो वेदर पहले से बेहतर हो गया। तो ये है कि अब जो ना वो ईद अच्छी गुजर जाएगी, अगर बारिश आ जाती तो फिर जो ना ईद का थोड़ा सा मज़ा जो ना वो ख़राब हो सकता था, तो इसलिए जो ना वो बारिश के चांसेस कम है। अभी बाहर जो ना वो अच्छा खासा जो ना वो रास्ते में पानी वगैरह जमा हो गया हुआ गलियों में, तो बस अभी मस्जिद पहुँच जल्दी जल्दी। तो ये जो रास्ता है ना, ये जाता है इधर आगे, इधर वो सामने हमारी मस्जिद है। और ये देखिए आप, इधर के रास्ता बिल्कुल ख़राब हो चुका है क्योंकि बारिश पड़ी है सुबह सुबह काफ़ी ज़्यादा। ये कच्चे ट्रैक है हमारे, तो यही रह गया, बाकी विलेज के जो ना वो अच्छे रास्ते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा ख़राब है, तो बारिश काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। उधर सामने मस्जिद है, तो यहाँ से होकर मस्जिद में जाना होता हमें, और बारिश हो जाए तो काफ़ी जो ना वो मुश्किल होती है, इसलिए मैं शूज़ नहीं पहन के आया, क्योंकि शूज़ पहनता तो इधर जो ना वो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा जो ना वो पानी खड़ा है, शूज़ खराब होने के चांसेस थे। ये इधर हमारी मस्जिद है मोहल्ले की, और माशाल्लाह से इधर लड़के खड़े हैं, इनमें से एक तो इत्तेफाक में बैठे हुए थे आप, इत्तेफाक में बैठा हुआ था माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर, ठीक हो? तो बाय क्यों खड़े हो? कितना टाइम रह गया यार? 7:30 के बोला, 7:30 हो गए, 5-6 मिनट रह गए अंदर। चलो शाबाश, चलो ये बाय मुबारक सा लगे, चलो अंदर। Yeah.
तो अभी ईद उल फितर की नमाज अदा की है। हमारे विलेज में ना दो मस्जिदें हैं, और पहले जो ना दोनों मस्जिदों में नमाज होती थी, लेकिन इस दफ़ा जो नई मस्जिद बनी है ना, तो वहाँ जो ना नमाज अदा करने का सभी ने फैसला किया था, इसलिए हम लोग जो ना वो दूसरी मस्जिद से उधर चले गए थे सभी लोग, तो सभी ने वहाँ नमाज जो ना वो फितर अदा की है। तो अभी चलते हैं घर, तो घर वाले से पूछते हैं अगर कुछ सामान वगैरह लेके आना है तो वो लेके आते हैं, क्योंकि कुछ भी नहीं लेके आया हुआ सामान, क्योंकि पता ही नहीं था कि ईद आज हो जानी है, तो इसलिए कुछ जो ना वो सामान वगैरह होता है खाने बनाने का, चिकन वगैरह, तो वो पूछते हैं, तो फिर वो लेके आते हैं। उसके लिए मैं जाना पड़ेगा किंग रटा हूँ, तो अभी आ गया हूँ घर। मौसम जो है ना आज माशाल्लाह से बड़े ज़बरदस्त फुल एंजॉय वाला मौसम हो गया, वेदर आप चेक करें माशाल्लाह से काले बादल छाए हुए आसमान पे। तो अभी कुछ सामान वगैरह लेके किंगरा टाउन से, तो फिर निकलते हैं अपने हवारा गंदी की, अभी जा रहा हूँ मैं किंगरा टाउन बाइक अपने जिंदाबाद। तो जैसे ही मैं घर से निकला ना, थोड़ा रास्ते में आया, तो उसके बाद जो ना सही बारिश होना शुरू हो गई है, और ये हमारे इधर ना पीछे ये देखे रास्ता है, और इसके साथ ही हमारे इधर आगे बना हुआ पेट्रोल पंप, तो वहाँ मैंने वो बाइक पीछे खड़ी कर दी है, क्योंकि आगे तक जाता ना तो सारे भीग जाना था, तो अभी बारिश बंद होने का वेट कर रहा हूँ, काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है, तो बंद होती है तो फिर ही टाउन चलेंगे, वरना तो। तो फाइनली जनाब कोई आधा घंटा वेट करने के बाद जो ना वो बारिश थोड़ी सी रुक गई है, और पीछे जो ना वो चिकन वाली शॉप, और यहाँ से कुछ चिकन ले लेते हैं और फिर चलते हैं घर, क्योंकि बाहर तो निकलना जो ना वो समझो कि मुसीबत ही है, क्योंकि हर तरफ जो है वो मौसम ख़राब, बारिश कोई इंजॉय नहीं, उल्टा कपड़े जो है वो ख़राब हो रहे हैं, इतना जो है वो रास्ते में पानी खड़ा हो गया हुआ। कुछ चिकन ले लेते हैं, कुछ सामान ले लेते हैं, तो फिर निकलते हैं वापसी। तो ये मेरी दादी जान है, दादी जान को जो है वो ईद का मिला, ईद नमाज पढ़ के, तो अभी दादी जान को ईद मिलते हैं। दादी ईद मुबारक। ठीक ठाक हो ना? ठीक ठाक। हाँ, तो ये हमारी प्यारी दादी जान है। तो अभी हम लोग जो ना वो सभी दोस्त बाहर निकले हैं, काफी टाइम से जो ना वो घर थे, एक तो ये तो सुबह का मौसम जो ना वो खराब था, बारिश थी, और सभी जो ना वो घर में सुकून से बैठे हुए थे, अभी थोड़ी सी जो ना वो धूप निकली है, तो अपना गैंग जो ना वो बाहर आ गया, ये जंगल एरिया, और यहाँ कुछ दोस्त आए हुए सब भाई, कुछ दोस्त हैं वो कहते हमने जंगल एरिया जो ना विजिट करना है, तो वो उनको घुमाने के लिए हम बाहर लेके आए हैं। अच्छा भाई कैसा जा रहा है ईद का दिन? बहुत शुक्र है अल्लाह का, मजे में जा रहा है, मजे में जा रहा है, पता ही नहीं चला कब ईद आ गई। आप तो जनाब रात को सो गए हुए थे, हम लोग रात को हम वहाँ पे गए हुए थे तकरीबन 3 बजे, पता ही नहीं चला। अच्छा वो सर आप सुनाए भाई जनाब, अलहमदुलिल्लाह कैसा जा रहा है? अलहमदुल्लाह बहुत अच्छा, कोई सी मस्ती हो रही है, मौजूद सॉरी हो रही है, तो बस ये अभी हम लोग जो है यहाँ कुछ टिकटॉक वीडियो बनाएंगे, फोटो शूट करेंगे, वो आपको मिल जाएंगी, वो तो भाई बनाते हैं।